तो जी भाई के चैनल को शुरू किए हुए 3 दिन हुए और उसमें हमें 3 दिन में बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल गए हैं। मगर मेरे को अपने चैनल की शुरुआत आ गई कि लगभग 3 महीने के अंदर मैं कहाँ तक पहुँचा था और क्या था। तो वो थोड़ा सा स्टैट्स चेक करते हैं पुराने। मैं भी यूट्यूब में जाता हूँ कि कैसे कैसे शुरुआत हुई थी और दोनों की शुरुआत में किस तरीके का डिफरेंस आया, पॉजिटिव भी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये सब डिस्कस करते हैं फिर ज़रा आज की वीडियो में। क्योंकि हमारी फैमिली सीरीज चल रही है 2 वीक्स विद TD फैमिली, तो हमने सोचा फैमिली के चलो भाई का चैनल शुरू हो गया है तो ज़रा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं उसको और करो जी थोड़ा सा करो। चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब बने। क्योंकि इस बार तो आप पहले दिन से बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। हाँ, तेरे टाइम तो मैं रोज रोज पूछती मनी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा मनी चलो आज इनको डिटेल में बताते हैं क्या क्या कैसे कैसे कितने कितने टाइम में हुआ था और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जी ये वेबसाइट है socialblade.com, जहाँ पे आप किसी भी यूट्यूबर की प्रोफाइल देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि उसकी एस्टिमेटेड कमाई किस रेंज के अंदर है। आमतौर पे निचले रेंज में ही होती है क्योंकि इंडिया में पैसे कम मिलते हैं, और एवरेज व्यूज उसके कितने हैं, डेली सब्सक्राइबर वगैरह, और साथ ही में इसमें स्टैट्स मेंटेन होते हैं कि कब उसके कितने सब्सक्राइबर कौन से महीने में बने थे। तो इसमें हम अगर जाएं डिटेल्ड स्टडीज के अंदर तो यहाँ पे आपको डिटेल स्टैटिस्टिक्स में पता लग जाएगा कि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मेरे कितने कितने वीडियो व्यूज थे और कितने कितने सब्सक्राइबर्स बड़े थे। और अगर मंथली सब्सक्राइबर्स का हिसाब देखें मेरा तो यहाँ पे तो वैसे जो है स्टैट्स आ रहे हैं अगस्त 2018 से, बट मैंने चैनल शुरू किया था जून 2018 में। 15 जून को पहली मेजर वीडियो डाली थी और तब मेरे सब्सक्राइबर आप ये लगा लीजिए के 70,000 होने में दिसंबर का महीना लग गया था। तो जी उतने सब्सक्राइबर जिनके पहले 3 दिन में बन गए, मेरे को बनाने में लग गए थे कोई तकरीबन 6 महीने। और वजह ये कि मेरे को ना यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के बारे में पता था, ना कुछ ये पता था कि आपको किस तरीके से वीडियो डालनी होती है, ऑडियंस रिटेंशन के फैक्टर क्या होते हैं। अब तो आप लोगों का सपोर्ट है, भगवान की दया है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे को यूट्यूब का स्टाफ भी ओकेजनली बता देता है कि जी इन इन चीज़ों का ध्यान रखो। जिनमें से सबसे प्राइमरी जो मैंने इन्हें बताई है वो आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, वो क्या है कंसिस्टेंसी। पावे हफ्ते में एक वीडियो डालो मगर उसी दिन डालो, सेम डे सेम टाइम डालो, ये बहुत जरूरी है ताकि एल्गोरिथम को पता लग जाए, एंटिसिपेट कर ले। मम्मी को याद था, मम्मी को याद था, मम्मी को एक्सपीरियंस इन लोगों से ज्यादा है ना, दीज आर न्यूबीज। मारा जी पूछा बाछी करती है, मेरे को पता है मम्मी रोज कमेंट्स पढ़ती है। मेरी शागिर्दी में हमने 28 साल माता जी की शागिर्दी में लगा दिए, वो तो 4-5 साल हुए हमें जो हम थोड़ा सा जो है ना कुछ 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 करने लायक, जैसे खुद मुख्तार कहते हैं उर्दू में, हमारे पापा में बोला करते थे कि ये आप बात नहीं मानता, ये खुद मुख्तार हो गया है, तो तभी हमसे ये तब से ये वर्ड याद है। खैर उल्टे सेंस में कहते थे वो है? बात नहीं मानता उल्टे सेंस में कहते थे, मुख्तार हो गया। अब यार अब मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलूंगा मतलब खुद मुख्तार या हतो बार एक ही बात है बट जी कंसिस्टेंसी के अलावा अब एक चीज मैं अब आपको बताता हूँ। आज सुबह का इंसिडेंट जो भाभी जी की इससे बात हुई है कि हैं आपके बारे में, अब होता गया कि लोग, बड़ा आसान है जी ये बोलना कि मेरे सब्सक्राइबर बेस था, आप लोग हैं सपोर्ट करने वाले। जब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की तो आप भाई के चैनल पर भी जाके भाई के भाभी के चैनल को भी सपोर्ट कर रहे थे, वीडियोज देख रहे हैं, तो दैट मेक्स थिंग्स अलॉट ईजियर, इट इंडीड डज। मगर उसका जो एक सबसे बड़ा फ्लिप साइड है ना, उसकी एक डिसएडवांटेज, नॉट डिसएडवांटेज बट उसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि जब इतने लोग आपको पता हो ना कि आपको पहले ही दिन से देख रहे हैं तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये लगता है एक्सपेक्टेशंस जो है ना आप मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका फियर बहुत ज़्यादा होता है। जो मेरे को थोड़ा बहुत फियर तो नहीं कहूँगा, डिस्कम्फर्ट है, एंग्जाइटी है ना, आप लोगों की शक्ल पे दिख रहा था कि मम्मी सही कह रही हूँ। हाँ लगता है भाई इतने लोगों को प्यार जो मिल रहा है उसे हम ढंग से उनको सेटिस्फाइड कर पाते हैं या नहीं। हाँ, और जो उम्मीदें लोगों को है। राइट राइट राइट। और सबसे मेन चीज ये कि आप ये मान लो ना, जब जैसे मैंने जब चैनल शुरू किया था तो मैं वीडियो डालता था, मैंने कई वीडियोस डाली हैं और फिर हटाई हैं, तो मुझे ये था कि यार क्या 30-40 लोग देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अभी कोई देखने वाला तो है नहीं, तो कोई गलती हो भी करके दोबारा डाल दूंगा। और मैंने कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो डाली हैं रिमूव कर दी हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई, अब जो मेरी शुरुआत की सबसे पहली सीरीज थी पोलैंड सीरीज़, वो मैंने मेम्बर्स ओनली
ओनली कर रखी है क्योंकि वो डालने लायक ही नहीं थी यूट्यूब पे, दैट वाज द फर्स्ट दैट आई एवर बिल्ड. तो कितनी बार मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया भी है, जर्नी वीडियोस में, कि मैं एक लाइन जो अब मैं इतनी देर से आपसे कॉन्स्टेंट लगातार कैमरे पे सिंगल कट में बात कर रहा हूँ, मेरे को चार शब्द एक बार बोलने से पहले जो है कट लगाने पड़ते थे अंटिल सिक्स मंथ्स बैक. तो ये टाइम जो होता है जो होता है, और उस हिसाब से जिस हिसाब पे मैं था उस हिसाब से जब ये कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि एक्चुअली जो है ना नहीं मुश्किल जॉब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे से बहुत बेटर है एटलीस्ट उस टाइम में. बट फिर इसी चीज़ का पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि ये भी पता है कि मेरे चैनल के जो बिल्कुल कोर फॉलोअर्स हैं, जो कि आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं कोई भी वीडियो डालूं चाहे वो ट्रैवल हो या ना हो, उसके अंदर कोई सस्पेंस मसाला हो या ना हो, वो देखते ही देखते हैं, जो तकरीबन 3 लाख के आसपास मेरे व्यूज मुझे पता है कि आज के डेट में फिलहाल एटलीस्ट कहीं नहीं गए अगर मैं ओकेश वीडियो भी डालता हूँ, तो वो लोग यहाँ पे जाएंगे, और वो जब जाएंगे तो फिर ये पता है कि वो थोड़े से फॉरगिविंग भी होते हैं और थोड़ी सी गलतियां माफ भी कर देंगे और एक्सेप्ट भी कर लेंगे और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि अभी सारा हिसाब किताब नया है. मगर आप ये खुद सोच के देखिए ना कि है माता जी, मैं मतलब अक्सर आपको यही मिसाल देता हूँ, शॉर्ट काफी लंबा हो गया बट बात इंपॉर्टेंट है, डायलॉग बोलने में हमें 2 साल लग जाएंगे और ये याद भी रखना होता है कि कौन कौन से पॉइंट लाने हैं, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप जब बीच में टॉपिक से हट जाए ना, जैसे हम हट गए तो वापस टॉपिक पे आने के लिए दिमाग में हमेशा पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट पे वापस आना है. तभी मैं देखता हूँ कि जो लोग लाइव वो करते हैं ना, शोज करते हैं, टॉक शोज करते हैं, उनके दिमाग में कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो उनको डिविएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर कोर. तो कमिंग बैक टू द कोर, मैं ये कह रहा था कि अगर जिस स्टेडियम में क्रिकेट के मैच होते हैं फाइनल, इतने बड़े बड़े, आजकल तो वैसे आईपीएल चल रहा है, स्टेडियम खाली है, बट फिर भी उनकी भी 60-70 हज़ार की कैपेसिटी होती है बैठने की, तो आपको पता हो कि उतने लोग, वो अलग बात है दिख नहीं रहे होते, मगर एक साइकोलॉजिकल बर्डन जरूर होता है कि आपके देखने वाले हैं और आपकी लोगों के सपोर्ट किया जाए. तो पहली वीडियो पर कितने व्यू आए जी? 200,000 क्या बात है, 2.5 लाख के आसपास. और जो आज वीडियो डाली, कल डाली है, उस पर 1 लाख के आसपास, यानी 3.5 लाख हो गए. तो अगर तुम 3-4 वीडियो और डाल दो हैं, तो मतलब ये मान ले महीने में, डेढ़ में, अगर पर्टिकुलरली हाउस टूर की बना दो तो बात अलग ही है, मिलियन हो जाएंगे. मगर मेरे को 1 मिलियन व्यूज अपने चैनल पे करने में 6 महीने लगे थे. दिसंबर में जाके मेरे ओवरऑल पूरे चैनल के 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हुए थे. तो इसीलिए, मगर अब एडवांटेज ये है कि जो जो मैं अपनी गलतियां करके सीखा हूँ वो आगे इनसे कर ली, बाकी शॉर्ट बड़ा लंबा हो गया थोड़ा सा, अब मैं बी रोल डालूंगा और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और इनसे पूछेंगे पहले जो 2-3 दिन की इनकी एक्सपीरियंस थे वो कैसे रहे. पर्टिकुलरली एक तो बड़ा ही खास है उनमें से. चाटने दो, चाटने दो, कोई बात नहीं, मैं पूरी खाऊंगा भरे मन के साथ भरे मन के साथ बिना चाटे उसको फेंका जा रहा है. माता जी, तो मैं अगर आपने छोटी सी ब्रेक ले ली हो पेस्ट्री से तो 2-1 सवाल पूछ लूं. बस ले ली, सिर्फ 2-1 है? हाँ 2-1 ही है, मतलब अभी मेरे सवाल लंबे हैं आज. अच्छा, अब ये बताइए कि भाई 2 बेटों ने आपके चैनल शुरू किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था पहले वर्सेस दूसरे के टाइम पे? यार तेरा टाइम तो मुझे था ही नहीं कि ये कुछ करेगा या कुछ करेगा, ऐसे घूमने गया है, वीडियो बना रहा है और अपना शौक पूरा कर रहा है. और फिर जब तूने बोला नहीं मुझे ये काम करना है, तो फिर तो मैं रोज पूछती मनी कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं होता, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, ये तो कितने दिन हो गए. और इसके टाइम तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा, धमाका ही होगा वो तो ठीक है होगा तेरे से था कि तू कर लेगा, मैं था ये करेगा ऐसे था, ठीक है ठीक है ठीक है. तो हमारे पिताजी बोला करते थे कि एक ही शब्द हो ना, अगर उसको 2 तरीके से अलग अलग से बोला जाए तो उसके मायने बदल जाते हैं. उसका जैसे जो वो एग्जाम्पल दिया करते थे, वो एग्जाम्पल ये था कि तौबा तौबा शराब से तौबा है, और दूसरा तरीका तौबा तौबा शराब से तौबा, तो मायने बदल जाते हैं. और एक और भी बोलते थे, वो कहते थे कि अगर एक बिंदी का भी फर्क आ जाए ना किसी सेंटेंस के अंदर तो भी मतलब बदल जाता है. जैसे गुलाबों की महक आ रही है, ठीक है, और अब गुलाबों में से बिंदी हटा दो तो गुलाबों की महक आ रही है, वही गुलाबों की.
चलो चाटने से एक कदम ऊपर आया है। बाकी कहते हैं दूसरी चीज ये कि जैसे अपने को कॉपीराइट इश्यूज डालने पड़ रहे हैं। कॉपीराइट इश्यूज ये मसला आ गया है। मतलब मेरे टाइम पे तो कोई पूछने वाला ना, पता ही नहीं किसी को ट्रैवल एजेंसी कौन है क्या है क्या नहीं है। मगर इस बार क्या हुआ जी, हमने आपने देखा होगा हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज में हम बिहाइंड द सीन स्टोरीज डालते रहते हैं। दोनों के इंस्टाग्राम चैनल लिंक्स इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। चैनल लोगों को पता ही था चैटियन स्कैटी नाम से आ रहा है। तो कईयों ने तो ये भी किया कि चलो हमारे को तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि जो नुकसान हुआ सो हुआ, क्योंकि उन्होंने ना उनको पता था कि लोग आने वाले हैं, लविंग फॉलोअर्स हैं, वो इमीडिएटली जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो सर्च करेंगे चैटियन स्कैटी और उसके बाद जाएंगे चैनल पे, वीडियो देखने और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लोगों ने इनकी पहली वीडियो डाउनलोड कर ली रिप ऑफ और उसके बाद उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया और अपने चैनल का नाम चेंज करके चैटियन स्कैटी कर लिया ताकि लोग वहां पे वीडियोस देखने आए और उसके बाद उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इवेंचुअली उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। अब हमारा जो 10 12 15 20 25 हजार व्यूज का नुकसान हुआ सो हुआ, 7 8 हजार अब सब्सक्राइबर्स का जो भी नुकसान हुआ सो हुआ, बट उससे कोई बात इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हमने कॉर्पोरेट कंप्लेंट भेजी थी। बट सैड पार्ट इज के इतना इमोशनली हेल्प करने के लिए स्पेशली जो लोग जा रहे हैं वीडियो देख के अब हमारे इसके भाई के चैनल पे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, वो वहाँ गए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे हम देख रहे थे वीडियोस पे, इतने बड़े बड़े सपोर्टिंग कमेंट्स आ रहे थे और सारे गलत चैनल पे, तो लोगों को जो है ना मिसलीड करने की कोशिश, दैट वॉज हमारे सब्सक्राइबर्स को वो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटिंग भी था और बुरा भी लगा थोड़ा सा फीलिंग उसकी। तो फिर फाइनली इवेंचुअली हमने जो है कल ढेर सारी दुनिया भर की कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी हैं। कितनी भेजी हैं सर? 8-10। हाँ, और इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने सारे फेक चैनल्स को रिपोर्ट भी किया, तो काफी हद तक तो सफाया हो गया क्योंकि संडे था तो बहुत देर लग गई, बट मंडे होते ही सुबह यूट्यूब ने सारा सफाया कर दिया है। जितने भी थे जाली अकाउंट या तो काफी सारे उड़ा दिए और वीडियोस एटलीस्ट डिलीट हो गई हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट था जो मेरे टाइम नहीं था, इनके टाइम में। हाँ जी, हाँ, मेन चीज बताओ कि लोगों की तसल्ली देने के लिए कॉल आ रही है। किसने अभी ये भाभी जी बताती है पूरा के सर, भाभी जी पहली बार ऐसे कोई ना तसल्ली रखो, पहली बार कमी होता है। मैं क्या कह रही है, अच्छे आए? कह रही नहीं, मुझे लग रहा है कि तू कुछ गलत देख रही है, 20 व्यूज है वहां पे और कोई कमेंट नहीं है। मैंने दो बारी जाके व्यू बढ़ाने की कोशिश करी है और कमेंट भी किया है और सब्सक्राइब भी कर लिया और चैनल को और सबको बताया कि ये सब्सक्राइब करो। तो आपने 200K बोला होगा, 200 समझ लिया होगा। उसने 20 कोई चैनल देखा जिसमें 20 व्यूज थे चैटी नाम के, okay. तो उसे लगा यही चैनल है, बट तसल्ली दे दो बच्चों को अभी। तो मैं सोच रहा हूँ हमारे घर के अपने लोगों को फेक चैनल जो है असली लग गए और उनको ये देख के लगा कि क्योंकि एग्जैक्टली सेम वीडियो है, तो जो हमारे लविंग सब्सक्राइबर्स है कितनों को पुलिसा लग गया होगा। बहुतों को तो पता चल गया होगा फेक है क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। इंस्टाग्राम पे हम रियल टाइम स्टोरीज डालते रहते हैं। तो जी ये कुछ ब्रीफ सी हमारी बातचीत थी और मेरे को क्योंकि सलाह ये दी गई है YouTube की तरफ से कि सिट एंड टॉक कंटेंट होना चाहिए बीइंग अ ब्लॉगर, तो आज हमने ना कोशिश ये करी है कि बैठ के आप लोगों से बात करिए। दिस इज नो ट्रैवल, कुछ भी नहीं, फैमिली टाइम। ये ऑफिस होके आया, शाम को बैठे हैं, अभी थोड़े से स्नैक्स चल रहे हैं, डिनर होगा इसके बाद। तो आप कॉमेंट में बताइएगा कि क्या आपको सिट एंड टॉक वीडियोज जिसके अंदर हम लाइट बातचीत करते हैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ भी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगती हैं कि नहीं। और मैं कल आपको बता दूंगा कि इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन यानी कि एवरेज इस वीडियो को लोग कितना देख रहे हैं वो बाकी चैनल की वीडियोस के नीचे है, बराबर है या ऊपर है। सो दैट वी विल टेल इन टुमारोज वीडियो। बट अगर वीडियो पसंद आई होगा इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। चैटी एंड स्कैटी ट्रैवलिंग देसी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।